असल डियर स्टूडेंट्स होप यू आर आल फाइन इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कसड फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर देखिये आप जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर है इट फोकसर्स प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर तो आज हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर है इट फेस अ लॉट ऑफ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम इट इज ओइंगीज प्रॉब्लम दैट इट कंटिन्यूज इन टर्म्स ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्टेगनेशन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें लगता है कि हमारा एग्रीकल्चर स्टेगनेंट है बैकवर्ड है और इन प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे विद द इंडियन इकानमी कन्फ्रेंट ठीक तो इन प्रॉब्लम्स में से पहली प्रॉब्लम है इज लेकर्मानेंट मीनज ऑफ इरीगेशन देखिए इरिगेशन को लाइफ लाइन ऑफ एग्रीकल्चर माना जाता है ठीक है ना तो जो हमारी फार्मिंग है स्पेशली क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट इन इंडिया और ये जो रेनफॉल पे डिपेंडेंस है इट मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली वालनेबल यानी गुड रेनफॉल का मतलब है गुड हार्वेस्ट और ड्रॉट्स कॉज सबस्टेंशियल लॉस ऑफ आउटपुट ठीक है ना जितनी अच्छी बारिश होगी इतना अच्छा हमारा फसल होगा जितना वही सही वक्त पे मॉनसून आएगा हमारी फसल इतनी सही होगी अगर खुशिक साली रही तो इससे हमारा आउटपुट कम पड़ जाता है and stability in indian stability in agricultural output requires permanent means of irrigation okay? Or and uh, in means go develop karna across all parts of the country should be the priority of the government but to a greater extent larger extent we are we are lacking these permanent means of irrigation as long as these means are not developed so hamare a good crop राइट सेल्फ सफिशंसी इन फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर और एक्सपोर्टर्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बन सकते हैं अगर हम इन मीन को अच्छी तरह डेवलप करें ठीक देखिए अनदर प्रॉब्लम फेसड बाई द इंडियन एग्रीकल्चर इज द फाइनेंस, देखिए फार्मर्स को शॉर्ट पीरियड फाइनेंस चाहिए फॉर दिस परचेज ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड रिलेटेड इनपुट्स

एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये बहुत ही स्कैरस है लिमिटेड है इन रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द फार्मर्स ठीक जो लेक ऑफ फाइनेंस है एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है हमारी एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन राइट देखिए एक और प्रॉब्लम विच इज़ फेसड बाय आवर एग्रीकल्चर इज़ कन्वेंशनल लुक टूवर्डस फार्मिंग बाई आ फार्मर्स देखिए जो इंडियन एग्री फार्मर है ही इज़ रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट इनोवेटिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस ही कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन कन्वेंशनल विजडम ठीक ही टू फार्मिंग मोर एज मीनज ऑफ सब्सिस्टेंस वेंचर हमारे किसान के लिए एग्रीकल्चर क्या है फार्मिंग क्या है बस जिंदगी की जरूरतें पूरी करना खाना फूड फॉर हिम सेल्फ उसके अलावा जो इसका जो कमर्शल नेचर है जो इसका इसकी जो कमर्शल कैपेसिटी है उसको हमेशा नज़रअंदाज करता है और उसका आउटलुक क्या है कन्वेंशनल है एकॉर्डिंगली क्या होता है कंटिन्यूस फोकस ऑन क्रॉप विच ऑफर हिम फूड सिक्योरिटी रादर दैन दो विच य हाई प्रॉफिट्स बट आर रिस्क प्रोन राइट उसकी कोशिश रहती है ज़्यादा कि उसे फूड सिक्योरिटी मिले वो भूखा न मरे और उस चीज की तरफ तो नहीं देता है उन क्रॉप्स की तरफ तो नहीं देता है जिससे जिससे उसके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं उसकी आमदनी बढ़ सकती है यानी हमारा फार्मर रिस्क लेने के लिए तैयार द टिपिकल इंडियन फार्मर इज रिलेक्टेंट टू ग्रो एज एन एंटरप्रीनियर एंटरप्रीनियर नहीं बनना चाहता है एंड अंडरटेकिंग रिस्क फॉर प्रॉफिट्स ठीक अनदर प्रॉब्लम इज एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स देखिए होल्डिंग्स इन इंडिया

हर किसान अक्सर किसानों के पास ये बहुत कम है हाँ अगर किसी के पास ज़्यादा है लेकिन ये स्कैटर्ड है फैली हुई है कहीं पे एक कनाल है कहीं पे आधा हेक्टर है कहीं पे दो कनाल है बस इसकी कोई 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 एक ही लोकेशन नहीं है जिस वजह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमें मजबूरन जो पुराने 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 कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेना पड़ता है देखिए एक और प्रॉब्लम जिसका सामना हमारे किसान को है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ लेक ऑफ इज मार्केटिंग सिस्टम हमारे पास ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं देखिये मार्केटिंग सिस्टम रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनऑर्गेनाइजड अभी भी बहुत सारी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर कंटिन्यू टू सेल देयर प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट एट रिड्यूसड रेट लोकल मार्केट्स में सस्ते दामों बेचते हैं टू अ लार्जर एक्सटेंट इससे क्या होता है ये उनके लिए कंपल्शन है क्योंकि बिकॉज द पुअर फार्मर्स आर ऑबलाइज टू सेल दियर प्रोड्यूस टू द महाजनज एंड मनी लेंडर्स इन रिटर्न फार लोन दे रेज फ्राम देम टू कूप विद दियर फाइनेंशियल नीड्स इनको फाइनेंशियल नीड्स पैसों की ज़रूरत होती है और ये पैसा किन से उधार लेते हैं मनी लैंडर्स से महाजन से उधार लेते हैं और फिर मजबूरन उनको अपना क्रॉप उन्हीं को बेचना पड़ता है ठीक है ना इस तरह से वी लेक लेक लेक, लेक आर्गेनाइज मार्केटिंग हमारे पास नहीं One more problem faced by our agriculture is exploited to agrarian reforms. देखिए एग्रेरियन रिफॉर्म क्या होती हैं? दीज रेफर टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन द लैंड लार्ड्स एंड द ट जो अक्सर लैंड वो आर एबसेंट लैंड क्यों दे लेट आउट दियर होल्डिंग्स फॉर फार्मिंग एंड सेल्डम डू फार्मिंग खुद नहीं कुछ करते हैं बल्कि अपनी 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 जमीन को फार्मिंग पे देते हैं टेनेंट को ठीक है ना रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम दे टेंट एक्सप्लायर टेनेंट्स जो कि एक्चुअल टेलर्स ऑफ लैंड होते हैं सॉयल होते हैं कैसे वो इनको एक्सप्लाइड करते हैं बाई वे ऑफ हाई रेंट्स एंड रिलेटेड मोस्ट लैंड would share the crop but not the cost of cultivation aur is tarah se having paid exorbitant rents to the absentee landlords jo hamara tiller hota hai soil ka unke paas bahut kam surplus rehta hai isliye further investment isi tarah se jo hamari land reforms ye continue to used as a source of subsistence हमारी land it continues to be a source of subsistence or as a means of live livelihood rather than a source of business प्रॉफिट ठीक तो अगर हम ब्रीफली देखें जो इंडियन एग्रीकल्चर है इट फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम रेंजिंग फ्राम प्रोडक्शन टू द मार्केटिंग ऑफ द क्रॉप्स और एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन मॉडर्न इनपुट्स आर नॉट जोडिशियड क्यों बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्टिविटी इज लो एट द लेवल ऑफ मार्केटिंग द बल्क ऑफ स्मॉल होल्डर्स फेल टू गेट अ रिमरेटिव प्राइस फॉर देर क्रॉप्स क्यों क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं इनके अलावा देर आर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑफ द फार्मर्स उनका नज़रिया कुछ ऐसा है विच कंट्रीब्यूट लो प्रोडक्टिविटी ऐसा क्यों है ऐसा ऐसे इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं बैकवर्ड होते हैं दे प्रेफर टू एवॉड रिस्क वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो रिस्क लवर होने चाहिए तब प्रॉफिट्स हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है तो अकॉर्डिंगली जो हमारी फार्मिंग है इट रेमेन सबसिस्टेंस ऑरेंटेड रादर देन प्रॉफिट ऑरेंटेड राइट सम ऑफ द प्रॉब फेस्ड बाई द इंडियन एग्रीकल्चर ठीक है ना अब इन प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आ सकते हैं इसके लिए बहुत सारी एग्रेरियन रिफॉर्म्स इंडिया में हुई है इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म इनशा इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दोन बाई वन तो आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे